खुशामदीद, सत श्री अकाल, वनकम, बट वेयर यू आस्क मी एंड विल टेक यू ऑन एन एग्जॉटिक ट्रिप विद सफोला मसाला ओट्स, माय स्पेशल रेसिपी। अक्सर ऐसे होता है कि लोग काम से, ऑफिस से बहुत थक कर घर पे आते हैं और घर पे आते वक्त या घर पे आने के बाद तुरंत कुछ खाने का मन करता है और तभी कुछ पकोड़े खाएंगे या कुछ ऐसा अनहेल्दी खा लेते हैं क्योंकि यू हैव दोज हंगर पैंग्स। लेकिन अगर उसी स्नैक को किसी तरह से अगर हेल्दी और न्यूट्रिशियस बनाया जाए तो क्या कहने, है ना? तो चलिए आज ऐसी एक सिंपल रेसिपी देख लेते हैं जो है क्लासिक मसाला ओट्स एंड पोटैटो टिक्की। इट साउंड्स वेरी सिंपल बट इट इज इवन सिंपलर टू मेक। इसके लिए हमें गर्म करना है एक पैन और हम एक टेम्परिंग बनाएंगे इन मैश्ड पोटैटोज के लिए। टेम्परिंग बनाने के लिए हम यूज करते हैं थोड़ा सा सफोला ऑयल क्योंकि ये दिल का मामला है। तेल गर्म होने पर हम उसमें रेगुलर हमारे जो घर पर मसाले यूज किए जाते हैं वो डाल देंगे। इस मैश्ड पोटैटोज को हम एक बड़े बोल में निकाल लेते हैं और ये तेल टेम्परिंग होने पर हम डाल देते हैं उसमें थोड़ी सी राई, थोड़े करी लीव्स, थोड़ा चॉप्ड गार्लिक, एक छोटी क्वांटिटी चॉप्ड जिंजर, और इसमें डाल देते हैं एक छोटी सी चिमटी हल्दी की। अब गैस को बंद करके ये जो टेम्परिंग तैयार हो चुका है वो टेम्परिंग डाल देते हैं हम इस पैन में। अब इसमें डालेंगे क्लासिक मसाला ओट्स। इसे डालकर हमने इसे पूरी तरह से मिक्स कर लेना है। इट इज एक्सट्रीमली क्लोज टू अ बटाटा वड़ा बट द डिफरेंस हियर इज दैट दिस इज नॉट गोइंग टू बी फ्राइड एंड इट्स गोइंग टू हैव दैट हेल्दी टच ऑफ ओट्स। मैश पोटैटोज बनाने के समय मैंने ऑलरेडी उसमें सॉल्ट डाल दिया था तो इसमें नमक डालने की जरूरत नहीं है अभी। तो अब हम बनाएंगे इसकी टिक्कियां। टिक्कियां बनाने के लिए इसे पोर्शन आउट कर देते हैं। और इन टिक्कियों को डाल देते हैं एक कुकी कटर में शेप देने के लिए। हल्के से प्रेस कर लेना है हमने और एक बढ़िया शेप की टिक्की बनानी है ऐसे। अब हम वही पैन को गरम कर देते हैं और ये टिक्कियाँ ग्रिल करेंगे। ग्रिल करने के लिए हमें पैन में तेल डालने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है क्योंकि पैन में थोड़ा बहुत तो ऑयल है। अक्सर लोगों का ये मानना है कि पोटैटोज आर नॉट वेरी हेल्दी एंड ऑल बट actually it's not true. Potatoes give you a good source of vitamin C, almost 35% of what is required by a normal person. Aur carbohydrates zaruri hote hain. Isse ekdam high flame par fatak se usko color lana hai, mast golden brown wala color, aur nikal ke serve kar dena hai. Ek achhi si plate lekar hum dal dete hain usme hamari regular धनिया मिंट की चटनी, इन पैटीज को अब हम टर्न कर देते हैं। ऐसा बढ़िया सा कलर आना चाहिए और क्रिस्प होना चाहिए और ओट्स जो हमने डाले हुए हैं उससे वो क्रिस्पनेस इसको आ जाएगा। इतनी बढ़िया खुशबू इस पैन से आ रही है अभी, मसाले की खुशबू, कड़ी पत्ते की खुशबू, मस्टर्ड सीड्स की खुशबू,
चलिए ये अब रेडी हो चुका है, इसको हम डाल देते हैं प्लेट के ऊपर। अब इसे फाइनली गार्निश कर देंगे एक अच्छे मिंट के स्प्रिग के साथ, क्योंकि हमने इसमें यूज कर ली है मिंट की चटनी। So here we have ready a fabulous, fantastic evening snack option, which is a classic masala oats and potato tikki. Take a very quick look at the recap. Classic masala oats and potato tikki banane ke liye aapko chahiye 80 gram classic masala oats, 200 gram aloo, 20 gram lehsun, 20 gram adrak, 5 gram kadi patte, 5 gram rai ke dane, 2 gram haldi powder, parosne ke liye hari chutney. If you have made any interesting recipes using different flavors of Saffola Masala Oats, please share it with us at teamsaffola@maricoindia.net. If selected, you can appear with us on our show and win exciting prizes. अब वक्त हो चला है माँ सलामा बोलने का, और मैं आपके लिए और भी बढ़िया रेसिपीज लेके आते रहूंगा only on Saffola Masala Oats, my special recipe में. Until I see you again, take care of yourself and eat healthy.